Hey, what's up, dude? This is आदिवासी boy अश्विन खलखो. Welcome to my YouTube channel, dude. तो भैया गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांची. अभी 9:30 हो रहे हैं और हम अपने गांव की ओर अभी निकल रहे हैं. मतलब मेरा गांव यहां से लगभग में 250 समथिंग कुछ किलोमीटर होगा. तो चलते हैं. निकलने में बस थोड़ा तकलीफ होगा, जाम का सामना करना पड़ेगा. तो ठीक है, चलो यहां से निकलते हैं. उसके बाद रास्ते में मिलते हैं. भाई हम लोग काटाटोली चौक पहुंच गए हैं. हम लोग का किस्मत अच्छा है कि आज जाम नहीं मिला. देख सकते हो मतलब खुला खुला है. 9:30 बज रही से आज वैसे छुट्टी में होगा पब्लिक लोग. सोचे थे कि बहुत जाम मिलेगा पर वैसा कुछ नहीं मिला. मतलब देखो ट्रैफिक व्राफिक कुछ नहीं है, एकदम जाने तने बस पार हुई है. सब तरफ से चारों तरफ से गाड़ी आ रहा है. इधर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, इस साइड में ये आपका खदगढ़ा बस स्टैंड, इधर से घुसते हैं. तो हम लोग अभी बहु बाजार रास्ता में है. तो भाई अभी यहाँ बहु बाजार वाला रिलायंस के पास रुके हुए हैं. कुछ काम है, कोई सामान भिजवा रहा है गांव में, तो उनका वेट करते हैं थोड़ा. यहाँ टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद निकलते हैं. और गर्मी भाई बहुत हो रहा है आज. गर्मी यार देख के समझ सकते हो. अभी नहाए तो आए और निकले और पसीना देखो किस टाइप से. One hour later. तो भैया अभी रांची हम लोग छोड़ दिए हैं, मतलब बहुत दूर आ गए हैं. आपका बेड़ो भरनो भी पार कर चुके हैं और एक जगह में रुके हुए हैं. कौन सा गांव है पता नहीं. तो बात ऐसा हुआ कि बीच में हम क्यों ब्लॉग नहीं बनाए यार, थोड़ा सा क्या बोले लिटिगेशन हो गया, चोपा हो गया कहो. मतलब मेरा चालान कट गया. उसमें क्या कटा आपको बताते हैं. मेरा ही गलती से कटा है. उसमें क्या हुआ ना कि हम सोचे कि चलो सुबह खाली रहता है रास्ता, तो हम शॉर्टकट निकलते हैं बोल के वन वे में हम घुसा दिए. बताइए गलती गुड्डू भाई का है, क्या करेंगे. ज्यादा दिमाग लगा रहे थे तो ऐसा गलती तो हुआ. उसका भी क्या बोला, कट गया गलत किया तभी तो कटा. तो ऐसा मतलब चालान कट गया, फोटो खींच दिया, सीधे सी बात, बात करने का मौका तक नहीं दिया. तो भाई टेंशन लग रहा था थोड़ा. तो फिर थोड़ा सा गैप रखे हुए थे कि कैसा क्या ब्लॉगिंग करे कहने का टाइप. तो ठीक है, अभी मतलब 45 मिनट एक घंटा के आसपास में गुमला पहुंच जाएंगे. तो रास्ते में दिखाते हैं क्या होता है ना. तो ठीक है ब्रो चलते हैं. क्या हुआ गुड्डू, बंदू का तबीयत खराब हो गया. मजाक कर रहे हैं, तबीयत खराब रहा नहीं. तो ठीक है पानी उनी पीते हैं उसके बाद निकलते हैं जी. वैसे बहुत आज धूप है, मौसम थोड़ा क्लियर रहने के लिए है लेकिन धूप है. A few moments later. क्या हुआ कि इतना अच्छा मौसम था और अचानक अभी जब सीधे इंटर कर रहे हैं और देखो भाई इतना तबाही है. मतलब सांस लेने का भी टाइम नहीं इस टाइप से. मतलब लगा ये 2 मिनट का है पानी, क्या ज्यादा रहेगा, पानी खत्म हो गया. अरे यार उधर सामने तो आया ही नहीं, इधर तो आया ही नहीं, उधर बस आया. अरे बाप रे, वो लड़की लोग कितना गुस्सा आ रही होगी ना. दिमाग खराब कर रही होगी. फिर आगे आ रहा, देखो फिर देखो फिर से आया. तो भाई अभी मतलब पहुंच गए हैं सिसे, मतलब बाजार ही है कि क्या कहें इसको, बाजार. और अपने को तो भाई मस्तार दुकान से मतलब है क्या. चलो करो भाई अपना मंगवाडार वाला गाना है, तो थोड़ा स्वैग में है गाते और ड्राइव करते हुए गुड्डू भाई, गुड्डू पंडित. टाउन पहुंच
पहुंचने से पहले नागकिनी पुल के पास पहुंचे, नदी के पास पहुंचे हुए हैं। दिखा दो उधर नजारे, दिखा दो बाढ़ कितना आ रहा है। अरे भाई गर्मी से हालत बहुत खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत। पहुंच गए हैं, देख रहे हो आज बाजार का दिन है, जितना भीड़ भाड़ से पता लग रहा है आज बाजार का दिन है, तो जाम का सामना तो करना पड़ेगा ब्रो। तो भाई साहब अभी गुमला से घाघरा रूट में आए हैं और अभी पहुंचे हैं घाघरा हम लोग। तो अभी घाघरा चौक में कुछ बनवा रहे हैं, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसी के लिए बनवा रहे हैं। तो भाई बात ऐसा है, गुमला से यहाँ आने में थोड़ा सा क्या बोले मतलब ट्रक के पीछे पीछे आ रहे थे, बहुत जाम था तो थोड़ा मन नहीं किया बनाने का। तो अभी अपना एरिया में पहुंच गए, बोले तो अपना मतलब लोकल टाउन ब्रो, समझ रहे हो ना, ठेला से ले रहे हैं यार, ठेला का कचड़ा वाला सब खाने में मजा आता है, वही टेस्टी दिलाता है ना, तो उसी को खाएंगे। मतलब कुछ जगह बारिश हो रहा है, कुछ जगह धूप कर रहा है, मतलब इज इक्वल टू गर्मी पसीना भयानक हो गया। तो ठीक है, अभी यहाँ से लगभग होगा कितना, नेत्रहाट होगा 55 34। तो ठीक है, बने रहो यार ब्लॉग में, यहाँ तक अगर जुड़े हो तो भाई लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना है ना, ठीक है भाई। वह क्या है यहाँ पुनीत फास्ट फूड से, यहाँ मतलब बना रहे चिल्ली वगैरह बनवा रहे, उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। A few moments later. तो भैया अभी बिशनपुर से पहले हम लोग रुके हुए हैं, वही सुसु करने के, अभी लगेगा यहाँ से लगभग हम लोग का फिर भी में है 85 किलोमीटर, तो लगेगा 2 घंटा आराम से जाना है ब्रो, मतलब व्यू का एंजॉय करते जाना है। और भाई इधर जो है ना, इधर का जो अपना खुला खुंग से हम देख रहे हैं तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब और हवा भी चल रहा है भाई, तभी बता रहे थे कि गर्मी बहुत है, तो गर्मी उस टाइम था, अभी हट गया गर्मी, पेड़ नीचे, आम पेड़ नीचे है, तो अच्छा लग रहा है। तो चलो लेके चलते हैं अपना गाँव, अपना छोटा सा मोटार सिटी, ठीक है। A few moments later. जैसे कि आप पहाड़ देख रहे हो, इसको कहा जाता है पांच पांडव, है ना, पांच पांडव कहा जाता है, हालांकि यहाँ है सात, लेकिन पांच पांडव कहा जाता है, क्योंकि जो मेन ऊंचाई आप लोगों को जो दिख रहा होगा, दिखता होगा, जैसे आए होंगे तो पता है, कहते हैं कि पांच पांडव वाला पहाड़ कहते हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग पहुँच गए हैं बनारी, तो बाकी इधर पीछे देख रहे हो ये होटल में हम लोग खाना पीना खाते हैं। तो भाई साहब हम लोग अभी होटल में पहुँच गए, बनारी होटल में, अभी हम लोग खाना ऑर्डर किए हैं, लगभग सिंपल सा पापड़ चटनी और आलू भुजिया और अंडा करी बस मंगा रहे हैं, बाकी यहाँ का यही फेमस है ना, आप कभी भी आओ यहाँ चावल खा के जरूर जाना, जैसे कि हम नेत्रहाट वगैरह आते हो ना तो यहाँ खा के निकल सकते हैं आगे। तो भाई अभी यहाँ बनारस हम लोग खाना पीना खा के अब निकलते हैं आगे, तो आप लोगों को लेके चलते हैं ऐसा घाटी जो कि आप हिमालय के याद दिला देगा, तो ठीक है वहाँ आपको लेके चलते हैं, उसके बाद नजारे दिखा दो, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना। तो भाई साहब आप अभी आते हो इधर बनारी तरफ से आते हो, यहाँ से आपका शुरुआत होता है नेत्रहाट घाटी, बोले तो रांगे घाटी, तो यहाँ से शुरुआत है, उसके बाद आप लोगों को मैं नजारा दिखाता हूँ। भाई अभी हम लोग रांगे घाट में हैं, मतलब कि मजा आ रहा है, गाड़ी चलाना मजा आता है यहाँ, दिख जाग टक्का है, तो एंजॉय करो आप व्यू का, हम अपना ड्राइव का एंजॉय करते हैं, तो ठीक है सामने दिखा दी भाई। गेट के पास, यहाँ से आप सीधे उधर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाओगे तो आपका नेत्रहाट मिल जाएगा, और उसी बीच अगर ये चौक दिख रहा है ना, इसी बीच अगर इस साइड में जाओगे तो हमारा छोटा सा मोहडार सिटी दिखेगा। तो भाई साहब अभी हम लोग उस जगह में पहुंचने वाले हैं जो कि क्या बोले आदिवासी लोग का जमीन बचाने का जो आंदोलन आप करते हो ना, आप लोग नहीं हम लोग करते हैं, हम लोग तो लोकल हो गए ना, इसी मतलब हम लोग करते हैं, तो उस जगह में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो
जहाँ आंदोलन होता है आप लोग को दिखाते हैं, सामने देख रहे हो वहाँ पर ही ये होता है आंदोलन टाइप का। हम लोग तो सीधे साथ में बोलते हैं झामड़ा। तो भाई साहब अभी हम लोग जापीपाट घाटी के पास हैं। यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल वाटरफॉल है, पीने लायक पानी है, उस जगह में रुके हुए हैं अभी। यहाँ पीछे देख सकते हो यहीं से पानी आता है, तो अभी एक बोतल भरते हैं। कहाँ आप लोग का गांव? ऊपर है उधर, पानी यहाँ से लेने आते हैं। कितना किलोमीटर पड़ जाता है? 3-4 नजदीके है। तो भाई साहब जैसे कि भाई बताया कि ऊपर गाँव से आता है, इधर इस साइड में गाँव है लोग का, लेकिन पानी भरने यहाँ आता है। खासियत ये है कि पानी मीठा लगता है क्या, तो यहीं से पानी भरता है। बाकी ऊपर है चापीपाट करके गांव होगा। One hour later. तो भाई अभी काम उम निपटा लिए हैं, मतलब मोहडार पहुंच गए हैं। तो मोहडार में कुछ कुछ काम था, जैसे कि आप लोग को हम बताया था पिछले ब्लॉग में कि शीशा मेरा गाड़ी का नहीं चढ़ रहा है, तो उसको बनवा लिए। तो अभी टाइम हो गया वही 5 हो गया कि धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब कि मेहमानी घुसते आ रहे हैं। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं घर, मोहडार पहुंच गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना। तो ठीक है, फिर किसी अच्छे ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जोहार झारखंड। बूम। One hour later. तो भाई देख सकते हो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, और मौसम का कहर देख सकते हो कि कितना भयानक टाइप से बारिश हो गया कि हमें मजबूर कर दिया कि भाई तू 10-15 के स्पीड में ही जाओ। इस टाइप से हो गया, मतलब सामने जिस टाइप से दिख रहा है कि हम लोग को कुछ दिख ही नहीं रहा है। आंधी तूफान भैया प्लस अलग से है, और चमकदार वो अलग से है।